जो बाणी नु विचारण वाला है, बाणी नु समझण वाला है, वह कदे अपने जीवन दे विच कुताही करदा है? एक शब्द मैं साध संगत के सामने पिछले वीक रखा सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी का एक शब्द है, मन मंदर तन वेश कलंदर घट की तीरथ नहावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जन्म ना आऊं। कदे कोई मंदिर नु तोड़दा है? अगर कोई मंदिर नु तोड़दा है तो इंसान चंगा नहीं समझदा ना कि मंदिर नु तू ना तोड़। असि दीवाना दे विच हाजरी भर के आखने कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े सी, गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी ने अपनी शहादत दे दी समाज के लिए, जगत के लिए, समुचे ब्रह्मंड वास्ते। ते ए गल आखी सी कि औरंगजेब नेक कर्म नहीं कर रहा, हालांकि असि मंदिरां दी पूजा नहीं करते, मंदिरां दे नाल कोई वाह वास्ता नहीं है, पर मैं मंदिर तोड़न नहीं देने। हालांकि मंदिरां दी पूजा नहीं, मंदिरां दे नाल कोई वाह वास्ता नहीं, लेकिन यह जीवन भी तो एक मंदिर है। इस मंदिर नूं तां असीं रोज तोड़दे हां। कितने ने जो गुरसिखी नूं जिन्होंने अपनाया होया, कैंची लैके अपने केसां दा कतल करना कि मंदिर नूं तोड़ना नहीं, मंदिर नूं तोड़ना ही है, क्योंकि शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दा है मन मंदिर। अगर तेरा मन अंदर आ जाए ते तेरा शरीर भी मंदिर बन सकता है, तेरा जीवन भी मंदिर बन सकता है। जां ते इंसान अपने जीवन नूं मंदिर बनाउण दे लई राजी ही नहीं, ते जे मंदिर बनाउण दे लई राजी है फिर इस नूं तोड़दा क्यों है? यह रब की दित्ती हुई इमारत नूं तोड़दा क्यों है, खत्म क्यों करता है? जिस दिन इंसान का मन अंदर आ जाता है, इंसान का जीवन ही मंदिर का रूप बन जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक किला बनाया सी ना, जिसका नाम रखा सी केसगढ़। केसगढ़ का अर्थ की है कि केसा का किला, ते किले नूं कोई अपने आप ही तोड़न लग पे। जो किले की पहरेदारी वास्ते पहरेदार बाहर खड़े किते ने, जे वह किले नूं तोड़न लग पैण ते किले का बचा कीवें होवेगा? भाई साहब भाई गुरदास जी ने वचन किया है ना कि जे किते आले दुआले अग लग जावे, पानी पा के अग बुझाई जा सकदी है, पर जे किते पानी दे विच चलण वाले किश्ती नूं अग लग जाए उसनों कीवें बुझाऊंगे? वह तो है ही पानी दे विच। बाहर की अगन बुझत जल सरता कह, नाव में जो अगन लगा कैसे कह बुझाई है? जो किला गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने उसारिया सी, गुरसिखा तैनूं दिता सी, जे तू ही उस किले नूं तोड़ने ते उसकी फिर पहरेदारी कौन करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? साहिब सच्चे पातशाह जी का सिद्धांत मैं आप जी की गुरु रख्या कि साहिब सच्चे पातशाह पीर कुतुब शाह ने अपने पुत्र कुर्बान करके सिखी मंगी सी, असि पुत्रां वाले हाँ गुरु तों की मंगदे हाँ। एक बार एक बड़ी प्यारी गल कहिंदा है, कहिंदे ने जदों मैं मंदिरां दे वल वेखना, मस्जिद दे वल वेखना, धार्मिक अस्थानां दे वल वेखदा, ते वेखण तों इक चीज इंसान दी सामने नजर आउंदी है कि मस्जिद तो प्रणाली सब भर में ईमान की हालात वालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों से निवासी बन ना सका। असी धार्मिक स्थान बड़ी माया खर्च करके धार्मिक स्थान बनाए, पर किते उन्हां धार्मिक अदारियां दे विच बैठ के असी अपना जीवन भी बना लेंदे ते समाज दी काया दी गल हो जांदी। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, जो अल्लाह यार खां जोगी ने आख्या है कि इंसाफ करे जिन, जमाना तो यकी है कह दो कि गुरु गोबिंद का शान ही नहीं है, जे उसके बराबर का कोई नहीं। क्यों? क्योंकि समाज के विच जितनिया भी जंगां कीतियां गईयां सर लई जोरू लई जां जमीन लई, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ना सर का लालच, ना जोरू ते ना जमीन, केवल मनुखता दे भले ले, और मनुखता दे भले वास्ते ही उन्होंने अपना परिवार तक कुर्बान किया ते अकाल पुरख का शुकराना किया। शुकराना अकाल पुरख का किया उठा के सर हजूर पातशाह जी के कदमां दे विच असीं बैठे अरदास करी, हजूर पातशाह किते इस जीवन के अंदर तेरे नाम का ज्ञान का दीवा जग जाए, ताकि असीं वहमां भरमां दे विचों निकल के
तेरे स्वरूप तेरिया दित्तिया हुई दातां नूं अपना के एक सुचा जिहा जीवन बतीत कर सकीए। सो इतनिया बेनती प्रवान करनिया जी, गुरमत विचार करते हुए दसरे तो हुई बेअंत त्रुटियां साहिब सचे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरु प्यारी साध संगत खिमा दे योग है, कृपा करके दसरे नूं खिमा करना जी। देहो असीस बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह।